बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सेकेंडरी बायोलॉजी चैप्टर नंबर 23। आज हम बायोटेक्नोलॉजी का स्टार्ट लेंगे। बायोटेक्नोलॉजी, सो अगर हम इसके वर्ड पर ही गौर करें तो इसके अंदर दो लफ्ज़ हैं, बायो एंड टेक्नोलॉजी। बायो मीन लाइफ एंड टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं? व्हाट इज टेक्नोलॉजी? इट इज एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। ठीक है, यानी जितने भी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं उनकी जो एप्लीकेशन होती है उसे हम टेक्नोलॉजी कहते हैं, यानी एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। यानी जो हम साइंस क्या होती है भला, वो नॉलेज जो हम ऑब्जर्वेशन से अपने एक्सपेरिमेंटेशन से हासिल करते हैं, ठीक है, फिर उनका जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हम गेन करते हैं उसको जब हम डेली लाइफ के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं, इन डेली लाइफ, ठीक है, जब हम अपनी डेली लाइफ के अंदर उसे अप्लाई करते हैं तो उसे हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसी तरह यहाँ पे जो साइंटिफिक प्रिंसिपल होंगे वो किसके? यानी साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, या जो हम बायोलॉजी के अंदर प्रिंसिपल्स स्टडी करते हैं या जो हमारे पास रिसर्च आती है, ठीक है, उसे हमने अप्लाई करना है इन डेली लाइफ, ठीक है, इन डेली लाइफ कह लें या फॉर बेटरमेंट ऑफ द लाइफ, अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए हम उसे अप्लाई करते हैं। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। बहुत से साइंटिस्ट ने काम किया, फॉर एग्जांपल जो मेंडल का काम था वो 1900 के अंदर पब्लिश हुआ था, यानी मेंडेलियन जेनेटिक्स, ये 1900 के अंदर हमें मिला था। इस तरह जो इंसुलिन आई, इंसुलिन के अलावा डीएनए का स्ट्रक्चर जो कि वाटसन एंड क्रिक ने यानी डिस्कवर किया था, उसके बाद उसकी हमने डीएनए की सीक्वेंसिंग की, सही, सैंगर्स मेथड से सीक्वेंसिंग हुई। इसके अलावा वैक्सीन्स डेवलप हुई, सही, और इंसुलिन डेवलप हुई जो कि कह लें कि एक प्रोसीजर जिसे हम कहते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ठीक है, उनके जरिए प्रोड्यूस हुई थी। वैक्सीन्स के अलावा एंटीबायोटिक्स लाइक पेंसिलिन, एंटीबायोटिक्स में एग्जांपल इसकी पेंसिलिन है, फिर बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स हैं आजकल मार्केट में अवेलेबल है, सही। सो ये सारे बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी का हिस्सा है, यानी जो हमने कह लें कि अपनी ऑब्जर्वेशन के अंदर, ठीक है, लाइफ की जब हम स्टडी करें तो उसमें ऑब्जर्वेशन में हमें जो नॉलेज हासिल हुआ उसको हमने अप्लाई किया अपनी डेली लाइफ के लिए, सही। फिर और भी एग्जांपल्स है, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग स्टार्ट होगी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर यानी जीन थेरापी स्टार्ट होगी, सही, जीन क्लोनिंग स्टार्ट होगी, एंड यानी बहुत से ऐसे डिसऑर्डर थे लाइक डायबिटीज़। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर हमने एग्जांपल सुनी है डायबिटीज़ जो कि जिसके अंदर इंसुलिन नहीं बन पाती, ठीक, तो अब हम क्या करते हैं कि डायबिटीज़ के लिए बाहर से इंसुलिन बना लेते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स के पास, ट्रांसजेनिक एनिमल्स से इंसुलिन बनाते हैं और वो पेशेंट के अंदर एडमिनिस्टर करवाते हैं, सही। इसकी वजह से फिर पेशेंट जो है वो सर्वाइव कर सकता है शुगर की बीमारी के साथ साथ, ठीक है। तो इस तरह बायोटेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी एरियाज़ के अंदर, ठीक है, ये कह लें काफ़ी हद तक अब ह्यूमंस की हेल्पिंग कंडीशन में आ रही है, ठीक है, ह्यूमंस की, इंसानों की मदद कर रही है बाय जीन थेरापी, बाय जीन सीक्वेंसिंग। एक एग्जांपल इसका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी पढ़ेंगे, सही। इसके अलावा इसके अंदर पीसीआर है जो कि डायग्नोसिस के अंदर हेल्प होता है, ठीक है, डायग्नोसिस में आपके लेबॉरेटरी की सारी साइंसेज होगी, ठीक। इसके अलावा और भी बहुत सी साइंसेज हैं जो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आ जाती हैं। अच्छा, हम इस चैप्टर के अंदर क्या, अच्छा ये एग्जाम्पल है एक और, ठीक है, मतलब बायोटेक्नोलॉजी किसके साथ लिंक है? एग्रीकल्चर के साथ लिंक है, इंडस्ट्रियल के साथ लिंक है, इसका फार्मा स्यूटिकल्स यानी मेडिसिन के साथ इसका लिंक होता है, ठीक है, केमिकल्स के जरिए इसका लिंक है जो कि इंडस्ट्रियल की तरफ ले जाता है उसे, से नैनो टेक्नोलॉजी के साथ इसका लिंक है, एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आजकल जो सबसे ज़्यादा काम हो रहा है बायो इन्फॉर्मेटिक्स में हो रहा है, ठीक है, कि जो पेशेंट डाटा है उसको अरेंज करना, फिर उसके ऊपर रिसर्च होती है सारा, ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अब एडवांस होती जा रही है, ठीक। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर हमने बायोटेक्नोलॉजी के बारे में क्या पढ़ना है? What we are going to learn from this chapter. सबसे पहले हमने क्लोनिंग ऑफ जीन स्टार्ट करनी है कि जीन की क्लोनिंग किस तरह होती है,
सही। और उसके अंदर फिर देखेंगे कि जीन के क्या प्रोसीजर होता है, नहीं इसके अंदर एक टेक्नोलॉजी हम पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, डीएनए टेक्नोलॉजी इसके बारे में पढ़ेंगे। या होती क्या है, होती किस तरह है, ठीक है, जिसके अंदर मॉलिक्यूलर कैरियर्स यूज होते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर्स यूज होते हैं, फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, सही। फिर उसके बाद हम देखेंगे एक जीनोमिक लाइब्रेरी, ठीक है, ये क्या चीज़ है, हमने वैसे नॉर्मल लाइब्रेरी सुना है, जीनोमिक लाइब्रेरी क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे पीसीआर पे, जो कि आजकल सबसे एडवांस डायग्नोस्टिक टेक्निक है, ठीक है, पीसीआर जिसे हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम यानी डीएनए की कॉपीज बनाते हैं, किस तरह कॉपीज बनाते हैं वो भी हम देखेंगे। फिर इसी की पीसीआर के अंदर ही हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस करनी होगी, इलेक्ट्रोफोरेसिस का एक छोटा सा टॉपिक आएगा। इलेक्ट्रोफोरेसिस भी इंपॉर्टेंट है आजकल की डायग्नोसिस में इसे यूज़ करते हैं। फिर पीसीआर के बाद जीन सीक्वेंसिंग, ठीक है, कि सीक्वेंस किस तरह किया जाता है, ठीक है, यानी हमें अंदाज़ा किस तरह होता है कि जो जीन है इसकी सीक्वेंस क्या है, ठीक है, यानी जो न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस होता है। फिर उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है इस सदी की, डेट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है, कि ये क्या होता है, किस तरह हमने ह्यूमन का जीनोम पूरा स्टडी किया है, ठीक। और फिर लास्ट के अंदर हमने बायोलॉजिकल या बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स देखने हैं, ठीक है, जो कि आजकल हमारी इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा चल, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, सही। उसके अंदर क्या है, सबसे पहले ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया है जो कि हमने वैक्सीन बनाने में यूज़ किया है, या इंसुलिन बनाने में हम इसे यूज़ करेंगे। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे हम, ठीक। इसी तरह ट्रांसजेनिक एनिमल्स आ जाएंगे, ठीक है, जिसके अंदर आपके जो काउज वगैरह हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, सही। और फिर ट्रांसजेनिक प्लांट्स आ जाएंगे, ठीक है। ट्रांसजेनिक की वैसे भी मैं अगर आपको डेफिनेशन बताऊं तो ट्रांसजेनिक कहते हैं उन ऑर्गेनिज्म को जिसके पास फॉरेन डीएनए होता है, यानी कोई बाहर से डीएनए जिसके अंदर हम इंसर्ट करवा दें तो वो ट्रांसजेनिक के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। फिर इसमें देखेंगे हम स्टेम सेल भी होते हैं, यूज़ होते हैं, ठीक है, स्टेम सेल के जरिए क्लोनिंग होती है, क्लोनिंग ऑफ ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, ये किस तरह होगा इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर लास्ट में जीन थेरापी, ठीक है, ये भी बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है कि जीन थेरापी किस तरह होती है, कि यानी जो डिजीज जीन्स होता है, यानी जो जो जीन डिजीज होता है, डिजीज से क्या बनाता है कि मतलब उसकी वजह से बीमारी हो रही होती है, तो उसको हम चेंज करते हैं, किस तरह चेंज करते हैं, उसके लिए हम जीन गन यूज़ करेंगे, जब हम अगर प्रोसीजर में जाएंगे उस टाइम से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा टिश्यू कल्चर टेक्निक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टिश्यू कल्चर टेक्निक जो आजकल मॉडर्न ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहे हैं उसके अंदर ये टिश्यू कल्चर टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर हम देखेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, ठीक है, किस तरह हम जो जीन्स हैं वो किस तरह हम एक दूसरे से कह लें कि इंसर्ट करवाते हैं, एक से निकालते हैं दूसरे में इंसर्ट करवाते हैं, फिर उसका क्या फ़ायदा होता है। फिर एग्रीकल्चर के अंदर हम इसे यूज़ करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर विद इम्प्रूव प्लांट्स, ठीक है, कि प्लांट्स की इम्प्रूवमेंट किस तरह कर सकते हैं हम, ठीक है, किस तरह उसका फ्रूट साइज इम्प्रूव करेंगे। फिर डिफरेंट प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, सॉरी, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स के अंदर क्या आ जाएगा, मतलब एक तो हमने इंसुलिन पढ़ी है, ठीक है, जो पढ़ेंगे, मतलब अभी नहीं पढ़ी, प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, जिसके अंदर इंसुलिन की एग्जांपल हम पढ़ेंगे। फिर देखेंगे किस तरह दूसरी चीज़ें बना सकते हैं हम इसी बायोटेक्नोलॉजी के साथ, ठीक है, वेरियस प्रोडक्ट्स बनते हैं उसके हम एग्जांपल पढ़ेंगे। और बहुत सी फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है वो ऑलरेडी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जंप कर चुकी है, ठीक है, इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी लैब्स भी हैं जो रिसर्च का काम करती है, फिर उसके बाद उसको वो मार्केट में लेके आते हैं वेलफेयर की कंडीशन में, कोई ना कोई उसकी एप्लीकेशन जनरेट करके वो उसे कह लें कि डेली लाइफ के अंदर लेके आते हैं। सो ये सारे टॉपिक हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि इसका आजकल इस्तेमाल बहुत होता जा रहा है आपकी डेली लाइफ के अंदर, सही। सो व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी, व्हाट एप्लीकेशन ऑफ
बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, ठीक है, साइंटिफिक से मुराद यहाँ पे बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स है इन डेली लाइफ, ठीक है, सर्विस ऑफ मैन काइंड कह लें, डेली लाइफ या दूसरे लफ्जों में से आप सर्विस ऑफ मैन काइंड पढ़ेंगे, सही। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब अगर आप देखें जो यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च होती है तो वो किस तरह आपकी सोसाइटी में हेल्पफुल होती है, कि मतलब अगर रिसर्च हुई है फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर मैं रिसर्च करता हूँ, मैं कहता हूँ कि जी जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, इन डायबिटिक पेशेंट पेशेंट एचडीएल एंड एलडीएल लेवल, ठीक है, ये जिसे हम एचडीएल एलडीएल का वो आइडिया नहीं होगा, फॉर एग्जांपल सिंपल कहते हैं लिपिड्स या कोलेस्ट्रोल लेवल, कोलेस्ट्रोल लेवल, ठीक है, लिपिड्स लेवल इज इंक्रीज्ड, ठीक है, मैं इस टॉपिक पे रिसर्च करता हूँ, ठीक है, एंड पे मैं रिजल्ट निकालता हूँ, क्या रिजल्ट निकालता हूँ, कि मैं कहता हूँ कि जी मोस्ट ऑफ द डायबिटिक पेशेंट, ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ऑलमोस्ट 50% ऑफ डायबिटिक पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट का तो आपको आइडिया होगा कि जिसे हम शुगर के मरीज कहते हैं, पेशेंट डाई ऑफ हार्ट अटैक, ठीक है, या कार्डियक डिजीज, दिल की बीमारी से वो मर जाते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा होता है, ठीक। तो फिर ये एक रिसर्च आ जाएगी, रिसर्च का क्या फ़ायदा होगा डेली लाइफ के अंदर, कि जो डॉक्टर्स हैं या वो जिनका क्लिनिकल साइड से कंसर्न है, वो क्या कहेंगे, एडवाइस पेशेंट फॉर, एक तो एक्सरसाइज के लिए कहेंगे कि जी एक्सरसाइज करें आप, ठीक है जी, लो फैट डाइट यूज़ करें, सही, इसके अलावा एक्सरसाइज, लो फैट डाइट के अलावा रूटीन अपनी एक्सरसाइज, अपनी रूटीन में एक्सरसाइज डालें, और अगर एक्सट्रीम कंडीशंस है तो फिर लिपिड कंट्रोल पिल्स, लिपिड कंट्रोल मेडिसिन इस्तेमाल होगी, ठीक है, तो ये इसके आउटकम्स आ रहे हैं। सो ये रिसर्च है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ठीक है, कि एक रिसर्च हुई उसके ऊपर हमने ये कंक्लूजन निकाला, उस कंक्लूजन के ऊपर जो पेशेंट को एडवाइस जाएगी वो डिफरेंट हो जाएगी, मतलब पेशेंट अब थोड़ा सा कह लें कि अलर्ट हो जाएगा, और उसके मुताबिक सोसाइटी पे उसका अच्छा बेनिफिट पड़ेगा, ठीक है, कि जो दिल के मरीज़ होंगे उनकी कमी हो जाएगी, ठीक है, जब दिल के मरीज़ कम होंगे तो ज़ाहिर बात है ऑपरेशन कम होंगे, तो ओवरऑल इकॉनमी पे बर्डन कम पड़ेगा, सही। सो अब हमारा जो मतलब हम अंडर डेवलप कंट्रीज हैं, वजह ये है कि हमारे यहाँ इतनी रिसर्च नहीं है, यानी हमारे अस्पतालों में लोड ज़्यादा होता है, ठीक है, पेशेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, और फिर उनको उनके ऊपर एक्सपेंसेस बहुत आते हैं, खर्चे बहुत होते हैं, खराजात। तो खैर अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सही हो, जिस तरह बायोटेक्नोलॉजी की तरह हम पढ़ेंगे आगे जाके, रिसर्च की काफ़ी रिसर्च जो नई रिसर्च है वो पढ़ेंगे हम, तो फिर क्या होगा कि बर्डन जो है इकॉनमी पे वो कम होता जाएगा बीमारियों की वजह से। खैर ये थोड़ा बहुत था बायोटेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में, आगे हम इसके एक एक टॉपिक को आगे डिस्कस करेंगे।